हेलो फ्रेंड्स, कैट विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम पार्ट मॉडलिंग की फर्स्ट कमांड स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एक्सट्रूड कमांड, जो 90% पार्ट मॉडलिंग के लिए यूज़ की जाती है, वो कमांड हम देखने वाले हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ओनली हम एक्सट्रूड कमांड लेने वाले हैं, लेकिन इसमें जो भी फीचर्स है वो विद डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। मैं फाइल न्यू से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हम नए फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल न्यू, यहाँ पे देखिए जो भी फोल्डर लोकेशन, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो भी हमें लोकेशन देना है हम बात यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी फाइल नेम, आप यहाँ से उसे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल, ओके, यहाँ पे यूनिट्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। ओके, आज के इस वीडियो में हम ये पार्ट मॉडलिंग की जो एक इम्पोर्टेंट कमांड है एक्सट्रूड, ज़्यादातर यूज होने वाली ये कमांड हम देखने वाले। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट। पहले हम स्केचेस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम एक्सट्रूड करेंगे। ऑन प्लेन, टॉप प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन का मैं कमांड ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड यूज़ कैसे होता है, इसके पहले मैं कुछ प्रोफाइल्स वगैरह यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। प्रोफाइल, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, रेक्टेंगल, और कुछ एक कुछ एक कुछ नहीं, कंप्लीट प्रोफाइल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्रायंगल, एक सर्कल, रेक्टेंगल, ऑपोजिट रेक्टेंगल, अभी मैं स्केच फिनिश कर रहा हूँ। टाइटल करके फिट टू व्यू। ओके, यहाँ पे देखिए, मैंने स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट में इतने सारे सब प्रोफाइल्स ड्रॉ कर लिए। ओके, अब हम एक्सट्रूड कमांड लेंगे। एक्सट्रूड कमांड का जो शॉर्टकट की है वो है एक्स। आप कीबोर्ड से एक्स प्रेस करके भी इस कमांड में एंट्री कर सकते हैं। एक्सट्रूड। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सिलेक्ट करो, आपने जो भी स्केचेस में कर ड्रॉ किया है आप उसे सिलेक्ट करके प्रोफाइल एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड मतलब कोई भी प्रोफाइल है, आप उसे मॉडल में, मतलब बॉडीज वगैरह, सॉलिड प्रोफाइल या फिर शीट प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन से सिलेक्ट करो, आप कोई भी एक एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है स्केचेस है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है स्केच सिलेक्शन, इसमें आप सीधा एंटर करके नया स्केच बना सकते हैं। पहले हम एग्जिस्टिंग स्केचेस को एक्सट्रूड करके देखेंगे, उसके बाद में वापस स्केचिंग टास्क में हम कैसे जा सकते हैं मैं यहाँ से बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करो। यहाँ पे देखिए, जितने भी स्केचेस हमने स्केचिंग टास्क में ड्रॉ किए, अभी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल कर्व, इंफ्रारेड कर्व। तो सिंगल कर्व का मतलब कि जो भी प्रोफाइल्स है, देखिए हम वन बाय वन से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्रोफाइल जो है आपको पूरा सॉलिड चाहिए, तो आपका जो प्रोफाइल है आपको क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रायंगल है मतलब पूरा क्लोज प्रोफाइल है, जैसे कि ये सर्कल है मतलब पूरा क्लोज कंप्लीट प्रोफाइल है। ओके, तो मैं इस सर्कल को भी सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा सिंगल करो, यहाँ पे देखिए मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ,
ये देखिए दो सॉलिड बॉडी जनरेट हो गई, लेकिन ये एक सरफेस जनरेट हो गया। सो एक्सट्रूड कमांड में यही रहता है कि बेसिकली अगर आपका प्रोफाइल अगर क्लोज नहीं है तो वो सरफेस में जनरेट हो जाता है। ओके सो हम वापस एक बार देखते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए सिंगल जो कर्व है, अभी मैं एक्सट्रूड कमांड में ही हूँ, सिंगल कर्व की जगह पे कनेक्टेड कर्व। ओके सो अगर कनेक्टेड कर्व लेंगे तो अगर आपका ये जो प्रोफाइल्स है आपको मतलब यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल में यहाँ पे चार लाइन्स हैं। ओके सो आपको वन बाय वन सब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कनेक्टेड कर्व में सब ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। ये देखिए मतलब आपका काम उतना ही आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसे प्रिव्यू लूँगा लास्ट वाला ऑप्शन सॉलिड जनरेट हो गया, उसे अप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंड ये एक रेक्टेंगल है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, वो भी सॉलिड में जनरेट हो। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड कर्व्स, सो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँगा ओके ये देखिए, और सेकेंड में इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है, और अप्लाई। यहाँ पे देखिए इतने सारे प्रोफाइल्स जनरेट हो गए। अभी मैं कैंसिल करके यहाँ पे देखिए जो है पार्ट नेविगेटर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन था हमने यूज़ किया था कि स्केचिंग, ये है पार्ट हिस्ट्री। सो जितने हमने स्केचेस किए यहाँ पे दिख रहे हैं, और जितने भी हमने कमांड्स यूज़ किए एक्सट्रूड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं वापस पर डिलीट करके तो वापस एक बार दिखा देता हूँ। तो एक्सट्रूड ओके यहाँ पे कनेक्टेड करो, तो टेंजेंट करो ऑप्शन से अगर आपका प्रोफाइल टेंजेंशियल है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर करो ओके जो आपको प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इन्फ्रारेड करो अगर ऑप्शन अगर आप ऑन है तो आपके स्केच में जितने भी प्रोफाइल्स है आप उसे एक ही बार वो सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पे देखिए। ओके तो आप इस बात का ध्यान रखिए अगर ये इन्फ्रारेड करो ऑप्शन यहाँ पे ऑन है तो आपको आइदर सिंगल करो, अगर आपको इंडिविजुअली एक्सट्रूड प्रोफाइल बनाना है तो सिंगल करो या फिर कनेक्टेड करो। ओके तो इसमें भी एक बात है, यहाँ पे देखिए कनेक्टेड करो, कनेक्टेड करो में ये जो ऑप्शन है स्टॉप एट इंटरसेक्शन, तो ये देखिए उसका यूज़ बता रहा हूँ, इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके अगर ये ऑप्शन ऑन है तो यहाँ पे देखिए जो हमने थोड़ी देर पहले जैसे हमने सेलेक्ट करके देखा था तो उस टाइम पे ऑप्शन हमारा ऑन नहीं था, अभी मैंने ऑन किया है तो यहाँ पे जो भी प्रोफाइल्स स्टॉप एट इंटरसेक्ट मतलब जो भी बाउंड्रीज में वो डिवाइड होता है या फिर कोई भी अगर इंटरसेक्ट प्रोफाइल उसे के बीच में आता है तो वो आता कि स्टॉप हो जाता है। अभी देखिए ये जो मैंने प्रोफाइल सिलेक्ट किया है तो मैं उसे अगर डिसलेक्ट करना है तो कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट बटन हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल मैंने शिफ्ट बटन सेलेक्ट करके डिसलेक्ट किया है, देखिए मैं इसे भी डिसलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है। अभी मैं इस प्रोफाइल को ले लेता हूँ कनेक्टेड कर, यहाँ पे देखिए अप्लाई। अभी उसमें और एक ऑप्शन है फेस एजेस, आपका कोई अगर एग्जिस्टिंग बॉडी, अभी देखिए अगर हमने ये ट्रायंगल का एक प्रोफाइल जनरेट किया मतलब एक बॉडी जनरेट की, सो फेस एजेस में हम उसका प्रोफाइल ले सकते हैं, मतलब आपको कोई भी एडिशनल कर्व्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं। तो उसे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये है फेस एजेस ऑप्शन। तो अगर आपका कोई भी पार्ट मॉडल का जो फेस है आप उसे सिलेक्ट करके डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकते हैं, आपको अलग से स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है शीट एजेस, अगर आपका कोई सरफेस बॉडी है तो आप उसे सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। सेकेंड रीजन और बाउंड्री कर्व्स, रीजन मतलब ये यहाँ पे देखिए अभी हमने यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए, तो रीजन मतलब जो भी एरिया है यहाँ पे देखिए एक क्लोज एरिया आता है, ये एक एरिया, सेकेंड एरिया, फिर थर्ड एरिया, तो आप उस एरिया वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ये देखिए फर्स्ट सेकेंड दोनों मिलके एक हो गए। ओके यहाँ पे एक एरिया है, एक एरिया है, आप रीजन मतलब आप एरिया वाइज उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें ये जो ऑप्शन है बॉडी टाइप सेकेंड लास्ट ऑप्शन, आप उसे अगर स्ट्रीट रखेंगे
तो आपको अगर प्रोफाइल जो है सरफेस में जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑलो प्रोफाइल, बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का ऑप्शन सॉलिड रहता है, अगर आपको चाहिए शीट में तो आप उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसे सब एक्सपोर्ट वापस डिलीट कर रहा हूँ। अभी जो एक्सट्रूड में जो डिटेल्स ऑप्शन है वो हम वन बाय वन देखेंगे। अभी देखिए सेकंड वाला ऑप्शन से डायरेक्शन, अभी मैं यहाँ पे करेक्टर कर्व्स ले रहा हूँ, अभी मैंने इसे एक्सट्रूड कर लिया। तो यहाँ पे लिमिट्स, यहाँ पे देखिए स्टार्ट ऑप्शन वैल्यू डिस्टेंस जीरो, डिस्टेंस जीरो मतलब जहाँ पे वो स्केच ड्रॉ है जहाँ से हम उसे एक्सट्रूड करने वाले वहाँ से वो डिस्टेंस जीरो, आप वहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस आपको कहाँ तक वो मॉडल जो प्रोफाइल आपको कहाँ तक कितने हाइट तक बनाना है, कितने हाइट तक आपको एक्सट्रूड करना है आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 50 में हाइट को चाहिए यहाँ से यहाँ तक आप उसे मैनुअली ये जो एरो से सिलेक्ट करके भी ड्रैग कर सकते हैं। सेकेंड और ये जो डिस्टेंस है जीरो, आप समझो कि आपका स्केच प्रोफाइल से अगर आपको ऑफसेट एक्सट्रूड करना है, मतलब यहाँ पे देखिए अगर मैं अभी 20 एंटर कराऊँ तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपका स्केच है वहाँ से वो ऑफसेट हो जाएगा। अगर आपको रिवर्स साइड में चाहिए आप उसे ड्रैग करके रिवर्स साइड में, यहाँ पे देखिए माइनस दिखा रहा है -37। आप जो सेकेंड वाला ऑप्शन है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब आपने जितने भी उसकी वैल्यूज इनपुट दी तो आपका जो भी प्रोफाइल है, जो भी स्केच प्रोफाइल है उसके दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस पे वो प्रोफाइल एक्सट्रूड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 100 मैंने वैल्यू दिए तो ये जो हमारा प्रोफाइल है स्केच उसके दोनों साइड में इक्वली एक्सट्रूड हो गया है। यहाँ पे देखिए आप इसे मैनुअली ड्रैग कर सकते हैं, इसे वापस एक बार जीरो कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक वेक्टर आपको किस डायरेक्शन में चाहिए। जनरली आपका जो भी स्केच रहता है बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर उसके 90 डिग्री मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड करता है कोई भी प्रोफाइल। आप यहाँ से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है डायरेक्शंस, तो आप उसे अलग अलग डायरेक्शन में भी उसे आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। ओके सो मैं आपको फोटो एक करके दिखाता हूँ। आप देखिए मैं इधर एक फ्रंट व्यू पे स्केच बना रहा हूँ। कनेक्टेड कर्व, डायरेक्शन, लिमिट्स, यहाँ पे आप से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन से डायरेक्शन फिर बाय डिफॉल्ट पहले मैं प्रोफाइल सिलेक्ट किया हमने डायरेक्शन वर्टिकल साइड, यहाँ पे देखिए तो वर्टिकल साइड में वो एक्सट्रूड हो गया। अगर आपको यही एंगल में चाहिए तो आप उसे यहाँ पे देखिए इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, या फिर आपको जो भी प्रोफाइल चाहिए उस डायरेक्शन में वो एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप उसे डिसलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर जो हमारा शिफ्ट बटन है उसे प्रेस करके उसे डिसलेक्ट कर सकते हैं। वापस आपको अगर कोई डायरेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन में आप उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन है अनटिल नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी अगर आप कोई नेक्स्ट प्रोफाइल है आप वहाँ तक उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले आपको एक प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक्सट्रूड कनेक्टेड करो और उसे यहाँ तक एक्सट्रूड करो अप्लाई कैंसिल, वापस एक्सट्रूड में जाके कनेक्टेड करो भी मैं इस रेक्टेंगल को ले रहा हूँ कनेक्टेड करो डायरेक्शन लिमिट्स यहाँ पे जीरो अंटिल नेक्स्ट। सो अंटिल नेक्स्ट का मतलब है कि जिसके भी रिस्पेक्टिव अगर आपको एक्सट्रूड करना है, मतलब ये जो स्केच के प्रोफाइल से अगर कोई अगर बड़ा प्रोफाइल है नेक्स्ट में तो वहाँ तक वो एक्सट्रूड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इस स्केच से कम साइज का अगर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा।
उसमें पहले आपको छोटे साइज का प्रोफाइल बना के दिखा रहा हूँ। सर्कल फिनिश, अभी एक्सट्रूड कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे अंटिल नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अभी ये जो स्केच है उसका जो लिमिट है वो यहाँ तक है, मतलब यहाँ पे हमने प्रोफाइल बनाया है तो इसके अंटिल नेक्स्ट को वो यहाँ तक स्टोर हो गया। अगर आप अंटिल सिलेक्टेड नेक्स्ट ऑप्शन है डिटरमाइन द लिमिट बाय फाइंडिंग एन इंटरसेक्शन विद इन सिलेक्टेड फेस, अगर आपको एक पर्टिकुलर फेस तक आपको करना है आप उस फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ तक चाहिए या फिर नेक्स्ट। ओके, अभी इसमें और एक चीज़ है, अगर आपको प्रोफाइल पे अगर आपको शेप जनरेट करना है तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। मैं आपके यहाँ पे फिनिश तो मैं इसे स्टोर कर रहा हूँ सरफेस पे सिंगल कर्व। ओके, लिमिट्स यहाँ पे जीरो, इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो है ये सिंगल आर केस की वजह से ये सरफेस ही रहेगा। यहाँ पे देखिए सरफेस शीट बॉडी भी एक्सट्रूड जीरो, मैं प्रोफाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी हम ये प्रोफाइल लेंगे कनेक्टेड कर। ओके, अभी ये जो हमारा ऑप्शंस था अनटिल सिलेक्टेड, अभी मुझे इस सरफेस तक ही चाहिए तो हम उस सर्फेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोफाइल था वो एक्जैक्टली उसी प्रोफाइल उसने अडॉप्ट कर लिया, अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैं राइट क्लिक करके ये सरफेस को हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वापस इस पर अंडो कर रहा हूँ, हम वापस ये देखिए सर्कल को भी हम एक्सट्रूड करके दिखा रहा हूँ। सर्कल यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज है वो सरफेस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं अंटिल सिलेक्टेड यहाँ पे देखिए वो जो भी प्रोफाइल है, खाली इस कमांड में ये है कि आपका जो भी अंटिल सिलेक्टेड प्रोफाइल है वो स्केच को कवर होना चाहिए। ओके, मतलब उसके नीचे ही वो प्रोफाइल चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन से मैं वापस एक बार एक प्रोफाइल ले रहा हूँ रेक्टेंगल, और यहाँ पर अंटिल एक्सटेंडेड, अंटिल एक्सटेंडेड भी ऑलमोस्ट सेम है, आप उसे प्रोफाइल सिलेक्ट करके उसे वैल्यूज दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन से जीरो, यहाँ पे देखिए मैं वापस सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है थ्रू ऑल, सो थ्रू ऑल का मतलब है उसके ट्रैवल में, मतलब उसके ट्रैवल में जो भी प्रोफाइल से वो सबको पास ऑन करके अंटिल जो लास्ट प्रोफाइल है वहाँ तक वो एक्सट्रूड होता है। थ्रूवॉल का मतलब यहाँ पे देखिए, अगर इसके नेक्स्ट भी अगर कोई प्रोफाइल होता तो वो उससे भी पास ऑन हो जाता था, तो यहाँ पे देखिए अंटिल यहाँ तक एक्सट्रूड हुआ है, इसका मतलब है थ्रूवॉल। सो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है बुलियन, बुलियन मतलब अगर आपको कोई सिंगल सॉलिड बॉडीज और कोई अगर हम दो प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप उसे यहाँ पे यूनाइट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये सब प्रोफाइल्स पहले डिलीट कर देता हूँ, ये भी प्रोफाइल है इसे डिलीट करो। एक्सट्रूड कनेक्टेड करो, एक प्रोफाइल मैंने एक्सट्रूड किया, नेक्स्ट ये प्रोफाइल एक्सट्रूड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑल ऑप्शन है नन,
नन का मतलब इंडिविजुअल सॉलिड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बॉडी दो अलग अलग सॉलिड बॉडी जनरेट हो गई। अभी अगर आपको इसके ऊपर इसको एडिट करना है तो आप उसे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर उसे राइट क्लिक करके एडिट पैरामीटर भी में जा सकते हैं। ओके तो डबल क्लिक करके यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है यूनाइट यूनाइट मतलब दोनों बॉडी मर्ज हो जाएंगे। मैं उसे ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों एक ही प्रोफाइल बन गए। वापस एक बार सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें सेकंड ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब कोई भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रिम हो जाती है कट हो जाती है। ओके यहाँ पे देखिए मैं इसे प्रीवियस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोफाइल से सेकंड वाले प्रोफाइल ट्रिम हो गया कट हो गया सब्ट्रैक्ट। वापस एक बार दिखा रहा हूँ। मुझे एक्सट्रूड कर रहा हूँ यहाँ पे। भी वापस एक बार एक्सट्रूड यहाँ पे देखिए रीजन कमांड ले रहा हूँ। इतना रीजन मैंने सिलेक्ट किया जो डायरेक्शन से आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे भी फ्लिप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी दो बॉडीज यहाँ पे है तो प्रत्येक हमें कोई बॉडी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो मैं बॉडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये बॉडी यहाँ तक है तो सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको ट्रिम करने के लिए कोई प्रोफाइल नहीं। मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके उसे डिसलेक्ट कराओ और इस बॉडी को सिलेक्ट कराओ। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट हो वापसी पर एक्सट्रूड करके और एक जो हमारा प्रोफाइल सब्ट्रैक्ट हो गया है मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेपरेट अभी मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जो ऑप्शन है हाइड हाइड कराओ और यहाँ पे जो एक्सट्रूड सेकंड एक्सट्रूड मैं आपसे लेट कराओ एक्सट्रूड अभी वापस एक बार एक्सट्रूड करके कनेक्टेड कर्व्स अप्लाई सेकेंड एक्सट्रूड किया। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन है इंटरसेक्ट मतलब दोनों का भी जो कॉमन फाइल है वो रहेगा बाकी सब ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट पर करके दिखा रहा हूँ एक्सट्रूड कनेक्टेड कर। यहाँ पे देखिए दोनों का भी जो कॉमन प्रोफाइल है मतलब ये ब्लॉक और ये एक सेकेंड ब्लॉक दोनों का जो भी इंटरसेक्ट कॉमन प्रोफाइल जो है वो है दस एरिया वो एरिया रह के बाकी सब ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पे देख एग्जैक्टली आप भी प्रोफाइल में दोनों को डिलीट करो। बी स्टोर में नन यूनाइट सब्ट्रैक्ट इंटरसेप्ट इंफ्राइड मतलब सेम ही है प्रोफाइल। एंड अभी जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ड्राफ्ट। ओके सो मैं पहले प्रोफाइल स्टोर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए चैनल रख रहा हूँ ड्राफ्ट मतलब आपका जो भी कोई प्रोफाइल है आप उसे एंगल दे सकते हैं। ओके सो ड्राफ्ट में फ्रॉम स्टार्ट लिमिट यहाँ पे देखिए 2 डिग्री है मैं उसे चेंज कर रहा हूँ 10 डिग्री। यहाँ पे देखिए ओरिएंट यहाँ पे देखिए 10 डिग्री
फ्रॉम स्टार्ट टू मिड, मतलब आपका प्रोफाइल जो है वो जिस भी प्लेन से उस प्लेन से वो एंगल ले लेगा। यहाँ पे देखिए, और आपका जो भी एक्सट्रूड लिमिट है आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फ्रॉम सेक्शन, ओके सो यहाँ पे देखिए सिंगल, अगर मैं इसे ऑफसेट करूँगा तो आपका जहाँ से भी प्रोफाइल है यहाँ से वो रहेगा। अगर आप उसे नेक्स्ट ऑप्शन हम स्टार्ट लिमिट करेंगे तो जहाँ से वो बॉडीज फिक्स्ड प्रोफाइल जनरेट हो रहा है वहाँ से वो ड्राफ्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए मैं इसे शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक्चुअली स्केच प्रोफाइल है यहाँ पे, लेकिन मैंने उसे ऑफसेट डिस्टेंस दिया है 108 पे, तो यहाँ पे यहाँ से वो ड्राफ्ट ले रहा है फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। और हम अगर सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे वो डिग्री काउंट करेगा, ये डिफरेंस है यहाँ पे। अप्लाई, आपको वापस एक बार करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके फिट मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इस प्रोफाइल को एक शूट करके दिखाता हूँ। कनेक्टेड का आईडी यहाँ पे 0 140, डिस्टेंस है 140, हम स्टार्ट लिमिट यहाँ पे देखिए 8 डिग्री, आप उसे मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं अंदर या फिर बाहर, आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर फॉर्म सेक्शन लिया, ओके सिंगल, अगर आपने ऑफसेट डिस्टेंस हम दे रहे 55, यहाँ पे देखिए फ्रॉम स्टार्ट लिमिट, यहाँ पे देखिए ये भी जो भी हमारा ड्राफ्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और फ्रॉम सेक्शन लेंगे से जहाँ पे वो एक्चुअल प्रोफाइल है वहाँ से वो ड्राफ्ट ले, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकेंड इसका ऑप्शन है ऑफसेट, ओके सो मैं ऑफिस ब्रेक प्रोफाइल बना के दिखा रहा हूँ। 0 ओके, इसमें देखिए ऑफसेट में सिंगल साइडेड, मतलब आप कोई भी जो प्रोफाइल है आप उससे एडिशनल ऑफसेट दे सकते हैं, मतलब एडिशनल मटेरियल बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 mm की जगह पे मैं 10 mm ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली आपका जो प्रोफाइल है ये, लेकिन इस प्रोफाइल से भी आप उसे ऑफसेट कर सकते हैं बनाने के टाइम पे। सो यहाँ पे 10 mm, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो है 10 mm। ओके, अगर आप उसे अंदर के साइड में चाहिए आप उसे अंदर अडेप्ट कीजिए, यहाँ पे देखिए -12 माइनस, आपको जो भी चाहिए -10 mm, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो भी आपका स्केच प्रोफाइल है उससे वो रिवर्स हो जाएगा। मैं उसे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक्चुअल आपका प्रोफाइल है ये, अगर आपको उससे भी अगर रिवर्स चाहिए फिर प्लस चाहिए आप उस ऑफसेट कमांड से चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं ये प्रोफाइल करके दिखाता हूँ, मैंने ट्राइंगल सिलेक्ट किया, ओके यहाँ पे ऑफसेट सिंगल साइडेड, यहाँ पे 5 mm, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 2-sided, मतलब आप उसे दोनों तरफ अंदर बाहर इंडिविजुअली दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टार्ट लिमिट है 0, एंड लिमिट है 5, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस जो है 5 mm है, अगर आप उसे अंदर करना चाहते हैं अंदर ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो बाहर का अगर डिस्टेंस आपको ज़्यादा चाहिए आप उसे चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ से वैल्यू इनपुट दे सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन सिमेट्रिक, ओके सो मैं सिमेट्रिक आपको कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 5 mm अंदर और बाहर इक्वली, ओके ये जो प्रोफाइल है दोनों साइड में इक्वली प्रोफाइल सिमेट्रिक हो गया है। सिंगल साइडेड, 2-sided, सिमेट्रिक, मैं आपको वापस एक बार ये प्रोफाइल करके दिखा रहा हूँ। कनेक्टेड कर्व्स,
सिमेट्रिक करके देखिए, अंदर और बाहर सिमेट्रिक करेंगे तो दोनों साइड में इक्वल रहेगा, नन करेंगे तो जो जो हर प्रोफाइल एक्चुअल उसके हिसाब से शूट कर रहे हैं। सिंगल साइडेड बाहर चाहिए ये अपना, अगर आपको अंदर चाहिए तो आप उसमें डायरेक्ट प्लस माइनस साइन दे सकते हैं। सेम ऑप्शन में हम उसे ड्राफ्ट भी दे सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। यहाँ पे देखिए हम ऑफसेट करने के बाद भी, मतलब अगर आपको जो से भी आपको रिक्वायरमेंट उसके साथ आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बॉडी टाइप सॉलिंग, अगर आपको शीट चाहिए तो आप उसे शीट में जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट ये चीज़ बोला था कि अगर आपने स्टूडियो में अगर डायरेक्शन देना है तो आप उसे एक पर्टिकुलर एंगल वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। और स्टूडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप का जो भी प्रोफाइल है अगर आपको सॉलिड चाहिए तो वो क्लोज होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए मैं जानबूझ के मैंने ये प्रोफाइल इनकम्प्लीट रखा है क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं उसे प्रयोग कर रहा हूँ तो शीट में ही रहेगा। अगर आपको स्पेसिफिक अगर शीट बॉडीज बनाना है तो आप उसे आर्क ड्रॉ करके भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि स्केच सिलेक्शन, तो यहाँ पे देखिए जितने हमने स्केचेस ड्रॉ किए वो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ और राइट क्लिक करके फिट कर रहा हूँ यहाँ पे जो है आइसोमेट्रिक कमांड। अभी जैसे कि हमने एक्सट्रूड कमांड स्टार्ट करने से पहले स्केचिंग टास्क एनवायरनमेंट से शुरुआत की थी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं अगर आपको कोई भी अगर प्रोफाइल बनाना है तो आप सीधा एक्सट्रूड कमांड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं एक्सट्रूड कमांड से स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे जो स्केच सिलेक्शन ऑप्शन है आप उसके ऊपर सिलेक्ट आप उसे सिलेक्ट कीजिए और जो भी हम स्केचिंग टास्क करने में जो भी हमने मेथड फॉलो किए ऑन प्लेन ऑन फेस वगैरह सेम ऑप्शंस यहाँ से चालू हो जाएंगे। सो ऑन प्लेन टॉप प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, और सर्कल फिनिश। ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने एक्सट्रूड ले लिया क्योंकि हमने डायरेक्टली एक्सट्रूड कमांड से हमने शुरुआत की है अप्लाई। अभी इन दोनों में डिफरेंस ऐसा है कि अगर आप पहले स्केच बनाते हैं और बाद में एक्सट्रूड करते हैं तो पार्ट हिस्ट्री में यहाँ पे पहले स्केच दिखेगा बाद में एक्सट्रूड दिखेगा। अभी हमने डायरेक्टली एक्सट्रूड से शुरुआत की है तो यहाँ पे एक्सट्रूड दिख रहा है। ओके, अब ऐसे भी अगर आपने पहले भी अगर स्केच बना लिया तो भी आप उस स्केच को एक्सट्रूड के अंदर देख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए अगर आपको ये प्रोफाइल अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आप इसे राइट क्लिक करके मेक स्केच एक्सटर्नल कर सकते हैं, मतलब आपका एक्स्ट्रा प्रोफाइल सेपरेट रहेगा, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्केच, ओके, वापस आपको अगर आपको अगर आपने पहले स्केच प्रोफाइल बनाया बाद में एक्सट्रूड बनाया है तो आप उसे स्केच को एक्सट्रूड के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप इसे राइट क्लिक करके मेक स्केच इंटरनल। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ हिस्ट्री से वो ज़्यादा नहीं दिखेगी। सो ये है बेसिक, मैं आपको वापस एक बार एक्सट्रूड करके दिखा रहा हूँ जो हमने फेस एजेस दिखा था। फेस एजेस यहाँ पे देखिए कोई भी बॉडीज का फेस हम सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जैसे हमने ऑप्शन वगैरह देखे आपको जैसे चाहिए आप प्रोफाइल एक्सट्रूड कर सकते हैं। यूनाइट इसके साथ वो यूनाइट हो जाएगा, देखिए अप्लाई फिट। सो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कमांड है एक्सट्रूड। तो आप कोई भी अगर पार्ट मॉडल बनाते हैं तो एक्सट्रूड कमांड का बहुत ज़्यादा यूज है। सो आज के इस वीडियो में हमने एक्सट्रूड कमांड बहुत अच्छे से देखे। अगर आपको कुछ अगर कुछ क्वेरीज है इस कमांड्स के लिए तो आप मुझे ज़रूर लिखे। ओके, नेक्स्ट वीडियोज में हम रिवॉल्व कमांड देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।